أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع

अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का सुरफ़ुर्क़ान चल रहा है और हम लोग कल आयत नंबर ट्वेंटी फोर तक कुछ पढ़ने और समझने की कोशिश करें इंशाल्लाह कल थोड़ा सा आयत नंबर ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर का रिविज़न के साथ हम लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और आज के जो अहम आयतें हैं वो पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे بسم الله الرحمن الرحيم يوم يرى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق ويوم تشقق السماء بالغمام بالغمام ونزل ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا जिस रोज फरिश्ते फरिश्ते फरिश्तों को देखेंगे वो मुजरिमों के लिए किसी बशारत का दिन ना होगा चीख उठेंगे के पन्हा बखुदा वो जो कुछ भी इनका क्या धरा होगा उसे लेकर हम गुब्बार की तरह उड़ा देंगे बस वही लोग जो जन्नत के मुस्तक है उस दिन अच्छी जगह ठहरेंगे और वो दोपहर गुजारने को उम्दा मुखाम पाएंगे आसमान को चीरता हुआ एक बादल उस रोज नमोदार होगा और फरिश्तों के लिए और फरिश्तों के परे के परे उतर उतार दिए जाएंगे उस रोज हकीकी बादशाही सिर्फ रहमान की होगी और वो मुनक्रीन के लिए बड़ा सख्त दिन होगा तो अब यहाँ पर देखिए कि कल हम लोग ये जो आयत नंबर ट्वेंटी टू में पढ़े थे क्या है कि जिस दिन ये लोग जो फरिश्तों के तखाजा जो कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो एतराज कर रहे थे कि इनके साथ फरिश्ते क्यों नहीं उतरते और इनको अल्लाह ताला ये तमाम मोजात क्यों नहीं देते तो अल्लाह ताला यहाँ पर जो है बता रहे कि जिस दिन वो दिन रहेंगे फरिश्ते जब उतरेंगे तो वो कोई एंटरटेनमेंट का दिन नहीं रहेगा कि वाह फरिश्तों को देखने का मौका मिल रहा बल्कि वो दिन जो है बड़ा ही खतरनाक दिन होगा और जब वो फरिश्तों को देखेंगे कब देखेंगे यानी कि जब उनके ऊपर अजाब आएगा या फिर उनकी जो है जब मौत का वक्त जब उनके साथ आएगा तो वो मौत के वक्त पर जो है अब फरिश्तों को देखेंगे तो जैसा हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब काफिर की मौत जब यानी कि मौ, मलिकुल मौत आएंगे और उसकी रूह जब कब्ज़ की जाएगी तो बहुत ही खतरनाक चेहरों के आ, साथ वो आएंगे जो फरिश्ते फरिश्तों के जो चेहरे रहेंगे अल्लाह ताला वो चेहरों को खतरनाक चेहरों में तब्दील कर देंगे तो वो कोई बशारत का दिन नहीं होगा वो कोई जो है उनके लिए आ, तो खुशी खुशी मनाने का दिन नहीं रहेगा बल्कि उनके लिए तो वो दिन बहुत ही यानी कि रसवा दिन रहेगा और फिर दूसरा फिर फरिश्ते कब नजर आते हैं खबर में जब उनकी नकीर का जो सवाल होता है तो उसके बारे में भी क्या आता है कि मुन नकीर भी जो है काफिरों को बहुत ही खतरनाक शक्ल में नमूदार होंगे तो अल्लाह ताला वही चीज का नक्शा खींचकर बता रहे हैं कि जिस दिन फरिश्ते आएंगे तो वो बहुत ही खतरनाक दिन होगा और फिर वो हैबत से जो है चीखेंगे चिल्लाएंगे और अल्लाह तला की पनाह तलब करेंगे और उस दिन क्यामत का जब हशर का दिन होगा यानी कि मौत हो गई खबर हो गई फिर उसके बाद जब हशर का दिन होगा तो अल्लाह तला यानी कि उनकी शुरुआत जो रूह होने की शुरुआत है वहीं से उनके ऊपर जो है अजाबात के सिलसिले शुरू हो जाएंगे और आखिरी में हशर के दिन जब मेंमल तोला जाएगा तो, तो उनके तमाम नाम को गुबार उठा गुबार की तरह उड़ाकर अल्लाह तला फेंक देंगे अब देखिये यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है अरबिक में आयत ट्वेंटी थ्री देखिये फजा अल ना हो हबा अम अम हबा जो है जो जैसा अगर हमारे जो है खिड़की है और खिड़की में से लाइट आ रही है सनलाइट जब आ रही है तो में हम हमारे क्या है छोटे 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 जो है जर्रात नजर आते हैं राइट तो वो जो जर्रात है वो जो छोटे छोटे जर्रात नजर आते हैं लाइट में तो वो लाइट वो जर्रात को हबा कहते हैं ठीक है तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि कीमत के दिन जो काफिर लोग रहेंगे तो अल्लाह ताला उनके डीड्स को उनके नाम अमाल को छोटे छोटे जर्रात में तब्दील कर देगा और उसको अल्लाह तला उड़ा देंगे तो और फिर उसके अलावा अब और किसके अमाल में की तरह उड़ा देंगे तो उसके बारे में क्या आता है कि इवन जो मुसलमान हैं और वो रियाकारी करते हैं और इखलास के साथ अमल नहीं करते तो उनके अमाल भी हबाम मंसूरा हो जाएंगे उनके अमाल भी जर्रों की तरह अल्लाह तला उड़ा देंगे अच्छा और और किसके जो है अमाल उड़ाएंगे अब इनके बारे में एक हदीस आती है जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी और ये हदीस देखिये कि बहुत ही खतरनाक हमारे लिए रिमाइंडर है आप सल्लाम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के उन लोगों को जानता हूँ जो क्यामत के दिन सफेद तिहामा पहाड़ों की मिसाल तिहामा पहाड़ों की मिसाल ढेरों ने क्या लेकर आएंगे तो क्या बता रहे आप सल्लाम की क्यामत के दिन आप सल असलम की उम्मत में से कोई आ, कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो सफेद पहाड़ जो रहते ना तिहाा के पहाड़ यानि की बहुत ही पहाड़ हुआ करते थे तो उनकी तरफ आप सल असम इशारा करके उसका एग्जाम्पल दे बता रहे की बड़े बड़े पहाड़ों की तरह जो है नेकियां लेकर आएंगे लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को फिजा में फैले हुए गुब्बार के बारीक जर्रों की तरह कर देगा क्या करेंगे अल्लाह ताला? फिजा में फैले हुए गुब्बार के बारीक बारीक जो रेशे होते हैं जर्रे होते हैं उस तरह का कर देगा तो इकराम जो है परेशान हो गए और बोले कि अहला के रसूल ये कौन लोग होंगे यानी कि, कि किसके साथ ऐसा अमल कि पहाड़ के बराबर जो है नकिया रहेंगे पर उनको अल्लाह ताला तर्रों के बराबर कर देगा क्या ये काफिर है मुजरिम है मुशरक है मुनाफिक है कौन लोग है मुशरक मुनाफिक काफिर मुजरिम गुना करने वाले क्या करने वाले हैं ऐसे लोग तो आप जो है क्या बता रहे के बेशक वो तुम्हारे ही भाई होंगे यानी कि अब देखिए कि इसमें जरा गौर करने की जो बात है वो ये है कि इसमें जो आप वसल्लम बोल रहे कि वो तुम्हारे भाई होंगे यानी कि ये साहबा को मुखातिब करके आप वसल्लम बोल रहे और सहाबा के जैसे अमल करने वालों के बारे में आप कि बेशक वो तुम्हारे भाई होंगे तुम्हारे ही तरह के अमल करने वाले होंगे तुम्हारी ही नस्ल से होंगे और रात को खयाम करने वाले होंगे यानी कि रात में इबादत करने वाले होंगे लेकिन वो तन्हाइयों में अल्लाह ताला के हराम करदा उमूर का इतकब करेंगे यानी के दिन में बहुत इबादत गुजार रातों में ख्याम करने वाले लेकिन जब वो तनहाई में होते हैं तो अल्लाह ताला की जो हराम करदा उमूर है उसका इरतक करेंगे और यानी कि जो फ़हश में मुबतला रहेंगे जिना में मुबिला रहेंगे या फिर जो है इलीगल जो रिलेशन होते हैं उसके अंदर मुबतला रहेंगे या फिर स्क्रीन पे ऐसे चीजें देखेंगे या सुनेंगे जिसको अल्लाह तला ने हराम किया है या तन्हाई में छुप कर छुपा कर जो है ग़ीबत करने वाले रहेंगे तो अब सोचिए कि जो भी तनहाई में जो अमल हम लोग यानी कि कोई नहीं देख रहा हमारे दिमाग में क्या है कि कोई भी नहीं देख रहा तो चाहे जो चाहे वो अमल करने वाले तो देखिये कि कितना खतरनाक ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हदीस है हमारे दिलों को लड़जा देने वाली हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे कि वो तुम्हारे जैसे रहेंगे तुम्हारे भाई रहेंगे और फिर दिन में नेकी करने वाले रातों को खयाम करने वाले खूब खूब इबादतें करने वाले पर तन्हाई में साथ में गुनाह करने वाले यानी कि एक तरफ नेकी भी कर रहे एक तरफ इबादत भी कर रहे एक तरफ नमाजें भी है एक तरफ लैल भी है और तहज्जुद का एहतमाम भी है और दूसरी तरफ जो है तनहाई में गुनाह करने वाले तो हमको यहाँ पर बहुत डरना है क्योंकि क्या है कि हम ये सोचते कि कोई नहीं है तो थोड़ा सा गुनाह कर ले रहे तो कोई नहीं देख रहा पर अल्लाह ताला देखने वाला है और अगर अल्लाह ताला को वो हमारा अमल नहीं पसंद आया तो हो सकता कि वो गुनाह की वजह से अल्लाह ताला हमारे तमाम अमाल को हमारे नेकियों को हमारे पढ़ने पढ़ाने को सीखने सिखाने को और इबादतों को अल्लाह तला जो है बर्बाद कर दे क्योंकि मोमिन जो है क्या है कि मोमिन जाहिर और बातिन में एक जैसा होता है तन्हाई में भी अल्लाह तला से डरने वाला होता है और महफिल में भी अल्लाह तला से डरने वाला होता है तो उस तो आ, और वो क्या है सिर्फ ये नहीं कि भाई पब्लिक फिगर है कि लोगों के सामने बहुत ही अच्छे बन गए और तन्हाई में जो चाहे वो जिंदगी में अमल करने वाले नहीं बल्कि वो तन्हाइयों में अल्लाह तला के खौफ से डर से रोने वाला होता है और अपने आप को हर गुनाह से हर छुपी और खुली ब, बेहयाई और फहश के बुरे अमाल से अपने आप को बचाने वाला होता है तो हमको भी या, ये चीज का बहुत ज्यादा ख्याल करना है कि हम सिर्फ लोगों के सामने अच्छे हों और तन्हाई में ऐसे नहीं बल्कि लोगों के सामने और फिर क्या है कि हमारी नीयत लोग है इसीलिए अमल कर रहे नहीं रहना है कि लोग देख रहे हम क्या है यूजी लोग देख रहे तो हम जो है फौरी से अच्छे हो जाते फौरी से अच्छी इबादत करना शुरू कर देते अब देखिए कि अगर कोई हमको बोले कि भाई कुरान पढ़कर सुनाओ हमारी तिलावत कैसी रहती अगर कोई सामने बैठा हुआ है हम नमाज पढ़े तो हमारी नमाजें कैसी रहती अगर किसी के सामने जो है देखने वाला है अगर कोई जैसा है कि भाई यानी कि जैसा हमारे कोई टीचर हैं ठीक है कोई मोल साहब है टीचर है दाढ़ी वाले हैं तो हमारे फरी दुपट्टे अच्छे हो जाते हमारे लिबास जो है हम उसके हिसाब से कर लेते अबाया उसके हिसाब से कर लेते यानी कि लोगों को दिखाने के लिए हम सारी चीजें अच्छी कर ले रहे हैं पर मोमिन क्या है ये नहीं होता मोमिन की तनहाई और महफिल एक जैसी होती है तो वो अल्लाह से डरने वाला होता है तो यहां पर अल्लाह तला बता रहे कि हम अम मंसूरा कर देंगे तो वो मोमिन ही रहेंगे वो अल्लाह तला से यानी कि इबादत करने अल्लाह की इबादत करने वाले रहेंगे पर उनके साथ भी ये मामला हो सकता है तो ये आयत पढ़कर हम ये नहीं सोचना है कि ये हमारे साथ नहीं होगा ये तो शायद काफिरों की बात है ये तो शायद मुशरकों की बात है नहीं ये हमारी भी बात हो सकती है अगर हम ये अमल करने वाले हों तो हम कोशिश करें कि हम एक ही जैसे अमल करने वाले हों और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तला की खातिर क्योंकि अल्लाह तला की खातिर जो शख्स अल्लाह से डर कर रोने वाला होता है तो उसके लिए क्या बताए अल्लाह ताला कि उसके लिए जहन्नुम हराम कर देते हैं फिर उसके बाद जो जिक्र यहाँ पर देखे हम लोग आयत नंबर ट्वेंटी फोर में अल्लाह ताला कुछ लोगों को जो यानी कि अल्लाह ताला के लिए इबादत करने वाले हैं अल्लाह ताला से डरने वाले हैं तो उनके लिए अल्लाह ताला जन्नत के ऊंचे मुकामात रखेंगे और फिर उनके लिए जो है वह अहसन मकीला रहेंगे मकीला खेल जैसा हम खेलुल्ला जो आ, कहते हैं उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल है यानी कि बहुत ही बेहतरीन आराम गाह जहाँ पर इंसान रेस्ट करता है तो जैसा प्लेस टू चिल जो है यानी कि थोड़ी देर बैठे लेटे और सुस्ताए और फिर उठ गए तो ये आ, क्या है इसके बारे में तो जन्नतियों की भी सिफत क्या रहेंगी कि वो लोग खैल्ला करने वाले रहेंगे तो और फिर हदीस में भी इसकी काफी खैल्लाह की ताक़द है देखिए कि हमारे पास जो है ना के सफ़ाई के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए सोने के तरीक़े उठने का तरीक़ा कब सोना है कब उठना है ये तमाम चीजें बताया अब हमारी जो लाइफ है या तो हम काफ़ी बिजी है बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया में बिजी है इसकी वजह से हम आपको खैल्ला का वक्त नहीं मिलता या फिर हमारी दिन और रात की जो टाइमिंग्स है वो इतने बदल गए हुए हैं कि हमारी दिन हमारी सुबह ही दोपहर के टाइम पे हो रही तो हमको खैल्ला की जो है फिर ज़रूरत महसूस ही नहीं होती है तो यहां पर देखिए कि चलिए अगर ज़्यादा देर हम और फिर क्या है फैलुल्ला का मतलब ये भी नहीं है कि दो दो घंटे या चार घंटे सोकर उठना बल्कि अगर हम जो है सिर्फ पांच दस मिनट ये नीयत से लेट जाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है सुन्नत समझकर इबादत समझकर करेंगे तो इनशाला इसका हमको जो है दुनियावी फायदा भी मिलेगा और आखिरत के एतबार से एक सुन्नत पर अमल करने का अजर भी मिलेगा यानी कि लेटना है और जो है आंख बंद कर लेना है और सो जाना है तो उसके लिए भी अजर है देखिये कि क्या प्यारी जो है हमारे दीन का तरीका है ना कि लेटने और सोने पर भी अजर है नींद लगो या नहीं लगो बस लेटे और आप थोड़ी देर अपने आप को शट डाउन कर लिए जैसा शट डाउन कर लेते ना तमाम जैसा मोबाइल शट डाउन किया जाता है या जो भी चीजें थोड़ा सा रेस्ट थोड़ा सा जो है यानी कि थोड़ी सा रिलैक्स कर लेने का तो बस एक दस मिनट के लिए आंख बंद करके लेट गए नींद नहीं भी लग जाए तो भी इनशाला हमको अजर मिलेगा और इसके बारे में जो है क्या आता है इसहाक बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि ये दिलों को मजबूत करने का जरिया है यानी कि खैल्ला और रात के क्याम को आसान बनाता है यानी कि की ख्याम्लेल के लिए ये चीज हमारे लिए आसान हो जाती है तहजुद में उठना आसान हो जाता है सिर्फ हमारा थोड़े देर का दस मिनट का सोना हमारे लिए के लिए आसानी हो जाती है तो जो लोग चाह रहे कि भाई हम ताजुद में उठे और उठ नहीं सक रहे तो वो दस मिनट जरूर दोपहर में थोड़ा सा जो है लेट जाए और फिर क्या है कि आप सल अल्लाह वसलम ने इसमें क्या फरमाया कि तुम जरूर जो है खैल्ला किया करो क्योंकि शैतान ये नहीं करता तो और फिर शैतान को नापसंदीदा अमल भी है और शैतान जो है खैल्लाह को खुद नहीं पसंद करता और ना खुद करता है पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रहे हैं कि हमको खैल्ला करो क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था तो हमको शैतान की मुखालिफत में जरूर बजरू एक दस मिनट भी हम जो है लेटने लेट, लेट जाए और फिर क्या है इसके ऊपर जो है ये नियत से लेट जाएंगे तो इनशाला इसके ऊपर अमल अजर अजर मिलेगा और फिर उमर रजतन की जो है रिवायत है कि उन्होंने बताते हैं कि इब्ने मसूद रजतन इसके बारे में बहुत ज्यादा ताक़द करते थे और हुक्म देते थे यहाँ तक कि जो लोग बैठे हुए रहते थे तो सब को बोलते थे कि उठो उठो और जो है सब लोग थोड़ी देर खैलुल्ला करो और जो भी इसके पीछे इससे पीछे इससे रह जाएगा यानी कि जो भी खैलुल्ला नहीं करे, आ, करेगा वो शैतान का हिस्सा है यानी कि जो यानी कि वो शैतान की आ, पार्टी को बिलोंग करने वाला आ, है तो अब देखिए कि ये जो सुन्नत है ये ऐसी सुन्नत है जो हम में से बहुत सारे लोगों से मिस हो जाती है और हम ये सोचते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा बिजी है हमारे पास उसका वक्त नहीं है तो बस पांच मिनट क्यों ना हो दस मिनट क्यों ना हो लेट जाए और ये नीयत से लेटेंगे तो इनशाला सुन्नत पर अमल करने का अजर मिलेगा और शैतान के अमल की मुखालिफत होगी और फिर क्या है कि ये हमारे ख्याम के लिए भी रात के क्याम के लिए भी आसान हो जाएगा अब देखिए कि जो जन्नत का यहाँ पर खैर ये तो हम इसके अंदर से सुन्नत तरीका हम देखे पर यहाँ पर ये जो आयत में बताया जा रहा है आयत नंबर ट्वेंटी में कि जन्नती खैल्ला करेंगे ठीक है तो कि जैसा है कि भाई हम यानी कि जन्नत में सिर्फ एंटरटेनमेंट रहेगा पर उसके बावजूद भी इसका अहतमाम जन्नत में भी किया जाएगा कि थोड़ी देर जो है रेस्ट करेंगे और फिर अब आ, और फिर सोच के देखिए कि जैसा हम कहीं पिकनिक के लिए गए हुए हैं या फिर कहीं जो है घूमने फिरने के लिए गए हुए हैं तो वहां पर जो हम लेट जाते हैं और अपने आप को रिलैक्स करते हैं तो कितना अच्छा हमको फील होता है तो जन्नत में सिर्फ क्या है कि सिर्फ रिलैक्स का टाइम है क्योंकि पूरे आमाल दुनिया में कर कर आए हुए रहेंगे दुनिया दुनिया क्या है दारुल अमल की जगह है यहाँ पर खूब खूब खुँ, खूब खूब मेहनत करने का है और रेस्टिंग प्लेस का है जन्नत है वहां पर खूब खूब जो है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करने की जगह है वहां पर अमल की जगह नहीं बल्कि वहां पर रेस्ट करने की जगह है फिर उसके बाद आयत नंबर ट्वेंटी फाइव में अल्लाह तला फरमाते हैं कि आसमान को चीरता हुआ एक बादल उस रोज नमोदार होगा और फरिश्तों के परे के परे उतर उतार दिए जाएंगे और क्यामत के दिन क्या होगा होंगे फरिश्ते परे के परे उतरेंगे अब यहाँ पर परे के परे उतरेंगे का ये मतलब है कि मुसलसिल तंजीला तंजीला का मतलब क्या है एक साथ उतरना और थोड़ा थोड़ा करके मुसलसिल उतरने को तंजीला कहते हैं तो अब देखिए कि फरिश्ते के बाद एक के बाद एक के, के, के बाद उतरते जाएंगे जैसा अगर आप इमेजिन करिए कि हम कोई जो है मिलिट्री का जो है जैसा मार्च देखते हैं तो एक एक ग्रुप दो ग्रुप तीन ग्रुप और उसके बाद मुसलसिल ग्रुप के ग्रुप जो है नाजी अगर आते जाएंगे आते जाएंगे तो किस तरीके से एक तो यानी कि जो देखने वाला है उसको देखने पर क्या है एक धाग बैठेगी एक हैबत जो है उसके दिलों पर जो है छा जाएगी तो अल्लाह ताला वही नक्शा यहाँ पर खींच रहे हैं कि के के दिन अल्लाह ताला के बहुत सारे फरिश्ते मुसल एक के बाद एक के बाद, बाद उतरते जाएंगे उस रोज बादशाह सिर्फ और सिर्फ रहमान की होगी उस दिन कौन होगा बादशाह सिर्फ और सिर्फ रहमान अब देखिए कि बादशाह तो आज भी रहमान ही है पर उस दिन हर एक इंसान को एहसास हो जाएगा कि वाकई में आज बादशाह सिर्फ रहमान है क्योंकि आज लोग क्या है हालांकि अल्लाह तला ही बादशाह है आज भी पर लोग इसको जो है एहसास नहीं करते लोग इसको समझते नहीं है तो क्यामत के दिन ये चीज चाहे मुसलमान रहो चाहे काफिर रहो हर एक को ये बात का एहसास हो जाएगा कि आज बादशाही सिर्फ और सिर्फ रहमान की है और फिर वो मुनक्रीन के लिए बड़ा सख्त दिन होगा और जब वो दिन वो दिन जब उसको एहसास होगा तो वो एहसास होने के बाद उसको ये एहसास कोई फायदा नहीं देगा बल्कि वो बड़ा सख्त दिन होगा असी इस्तेमाल किया गया है अल-काफिरीन असीरा के उस दिन जो है बहुत सख्त दिन काफिरों के लिए होगा क्योंकि उनके अमाल भी पूरे बर्बाद हो जाएंगे और फिर वहां पर रहमान उनसे नाराज रहेगा आप देखिए कि वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है आयत नंबर 26 में कि उस दिन बादशाह कौन रहेगा रहमान रहेगा यानी कि बहुत रहम करने वाला बादशाह रहेगा फिर भी काफिरों के लिए सख्त दिन रहेगा आप देख रहे कॉम्बिनेशन किस तरीके से है कि रहमान का वर्ड इस्तेमाल करके अल्लाह तला सख्ती का जिक्र कर रहे हैं तो मतलब यह है कि रहमान की रहमत का रहमत जो रहेगी वो उस दिन काफिर उससे डिप्राइव रहेंगे उस दिन काफिर उसकी रहमत के साय से दूर रहेंगे क्योंकि दुनिया में उन्होंने ऐसे अमाल किए ही नहीं जिसकी वजह से वो रोबिल बना रहेगा आज दुनिया में भी अल्लाह तला आज भी अगर हम जब दुनिया में है तो रहमान तो रहमान ही है कल खयामत के दिन वो रहमान रहमान ही रहेगा पर लोगों के अमल से वो लोग अपने आप को अल्लाह की रहमत से महरूम कर लेंगे और फिर अल्लाह तला यहाँ पर जो है अब देखिए कि ये बहुत ही अहम आयत आ रही है आयत नंबर ट्वेंटी सेवन उस दिन जो है व्योमा के जो उस दिन जो है जालिम लोग क्या करेंगे चबाएंगे क्या अलायी अपने हाथों को जो है वो चबाएंगे यकूलु या लैतनी और वो कहेंगे कि हाय अफसोस हाय हमारी कमबकती या लई तनी जो है वर्ड आ, जो वर्ड है या लईता जो वर्ड है अरबिक तो में सख्त शदीद अफसोस के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो क़यामत के दिन अ जो काफिर रहेंगे वो सख्त अफसोस और नदामत से क्या करेंगे अपने हाथों को चबाएंगे और कहेंगे के, आ, काश के या तनी के काश हाय अफसोस काश के मैं इतुर रसूली, रसूली सबीला के काश के मैं जो है रसूल को रसूल का रास्ता अपनाया होता रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता अब देखिए और फिर क्या है या वहीलता और फिर दूसरा और एक एक अफसोस करेंगे हाय अफसोस क्या है कि काश के दो अफसोस का इजहार किया जा रहा है दो अफसोस का यहाँ पर किया जा रहा है। आयत नंबर ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी एट में पहला अफसोस क्या रहेगा कि काश के मैंने रसूल का रास्ता इख्तियार होता और दूसरा अफसोस के हाय मेरी कमबख्ती काश के मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता तो ये दो आ, अफसोस की चीजें हैं जो क्या के दिन काफिर करेगा या जो भी शख्स ये अमल कर कर आया हुआ रहेगा वो शख्स जो है ये अफसोस के दिन करेगा तो पहला अफसोस देखिए कि अच्छा पहली तो चीज़ ये देखिए कि किमत के दिन वो अफसोस से अपने हाथों को चबाएगा अब देखिए कि दुनिया में कोई भी चीज परेशान रहते मुश्किल में रहते शदीद गम में रहते तो इंसान क्या करता बेसाख्ता अपने जो है दात नाखूनों को चबाना शुरू कर देता तो अब सोच के देखिए कि ख्यामत के दिन वो कितनी शिद्दत का उसका गम रहेगा शिद्दत का उसको एहसास और अफसोस रहेगा कि वो सिर्फ अपने नाखून नहीं चबाएगा बल्कि वो अपने हाथ चबा लेगा उसको होश नहीं रहेगा उसको समझ नहीं आएगा और हाथ वो चबा लेगा अब देखिए कि या तो ये जो है एक्सप्रेशन है सिर्फ जस्ट जस्ट एक्सप्रेशन के तौर पर अल्लाह तला बता रहे कि इतना उसको शदीद गम रहेगा या फिर लिटरली वो सच में हाथ यामत के दिन चबाएगा तो बहरहाल जो भी कैफियत रहेगी तो उसका अफसोस क्या रहेगा क्यामत के दिन अपने हाथों को चबाने का अफसोस ये रहेगा पहला कि मैं अपने रसूल को रसूल का रास्ता क्यों इख्तियार नहीं किया वो क्यामत के दिन अफसोस करेगा क्योंकि रसूल का रास्ता इख्तियार करना इतना अहम रहेगा क्यामत के दिन जब वो देखेगा इसकी अहमियत को तब वो वहां पर अफसोस करेगा देखिए क्या होता है यूजली अब देखिए अफसोस कब होता जब हम कोई चीज करते हैं उसके बाद हम जब उसके रिजल्ट देखते हैं उसके कॉन्सिक्वेंस देखते हैं तो उसके बाद एहसास होता कि अल्लाह काश में वो टाइम पे ये कर ली होती यानी कि रिजल्ट देखने के बाद हमारे एहसास होता ना तो क्यामत के दिन जब वो रिजल्ट देखेगा कि रसूल का रास्ता नहीं अपनाने की वजह से उसका ख्याल हाल हो रहा क्या अजाब उसके ऊपर अजाब में वो मुबतला हो रहा उसकी वजह से उसको क्या नुकसान उठाना पड़ रहा तो वो वक्त वो ये फिर जो है चिखेगा चिल्लाएगा और अफसोस करेगा राइट और फिर देखिए कि ये तो दो एंगल से हम देखेंगे एक एंगल से ये देखेंगे कि जो काफिर रहते तो जो काफिर रहेंगे वो रसूल के तरीके को ही नहीं अपनाए यानी कि जो रसूल ये कुरान लेकर आया जो रसूल ये दीन लेकर आया वो दीन ये दीन छोड़कर ये कुरान छोड़कर उन्होंने दूसरा तरीका इख्तियार किया तो और वो दूसरे तरीके की वजह से क्यामत के दिन जो उनका अंजाम होंगे जो उनको जूते पड़ेंगे जो मलिकुल मौत जिस तरीके की शक्ल में आएंगे जो खबर में उनका भयानक सा अंजाम होंगे जो हशर में उनकी रसवाई होगी वहां पर फिर वो अफसोस करेगा और दूसरा जो मुसलमान ठीक है अब हम अपने आप को यहाँ पर जो है बहुत महफूज नहीं समझेंगे हम भी अपने जो है एंगल से देखेंगे कि दूसरा कि दूसरा एंगल मुसलमानों का के दिन कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि बहुत अमल करके आएंगे पर ख्यामत के दिन उनके अमाल रसूल सल्लम के मुताबिक नहीं रहेंगे तो फिर अल्लाह उनके अमाल को बेकार कर देगा उनके अमाल को बर्बाद कर देगा और ये बोलेंगे अल्लाह इसके ऊपर तो मेरे रसूल की सीलिच नहीं है क्योंकि हर अमल रसूल के मुताबिक होना चाहिए हर अमल जो है आप वसल्लम के बताए के मुताबिक होना चाहिए पर उनके अमाल जो रहेंगे रसूल वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं रहेंगे तो वो तमाम अमाल उनके क्या हो जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे और वो टाइम पे जो है उन्हें अफसोस करेंगे काश के मैं रसूल का तरीका इख्तियार होता काश के मैं रसूल सल्लाम के अमल के मुताबिक जो है अमाल किया होता तो ये जो अफसोस रहेंगे उन्हें वहां पर इजहार करेंगे क्योंकि देखिये जैसा आप सल्ला की हदीस में आता है ना कि किमत के दिन जब सब जो है अफरा तफरी के आलम में रहेंगे परेशानी के आलम में रहेंगे तो मैं वो टाइम पर जो है हौज कौशल के पास रहूंगा और अपनी उम्मत को अपने पास बुलाऊंगा और अपनी उम्मत को अपने पास बुलाकर वो कम्फर्ट देना चाहेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी उम्मत को जो है अपने पास बुलाएंगे और फिर जो है लोग वहां पर क्या करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ जो है दौड़ेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टूर्स जाएंगे और वो टाइम पे क्या होगा कि जब जाते रहेंगे तो पीछे से एक मुनादी करने वाला करेगा यानी कि एक आवाज लगाने वाला पुकारने वाला हो सकता है वो फरिश्ता होगा तो वो फरिश्ता जो है कहेगा के, के दूसरे नए नए तरीकों को ऐजा कर ली थी और आपके तरीके को छोड़ दी थी जब आप ये बात सुनेंगे तो आप वसल्लम जो है बोलेंगे कि दफा हो जाओ यहाँ से दूर हो जाओ यहाँ से सुखन सुख कन आप वसल्लम बोलेंगे कि दूर हो जाओ यहाँ पर यानी कि आप वसल्लम फिर उनको कर देंगे और फिर बाकी के जो दूसरे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने वाले रहेंगे तो वो ने अता की है उससे लोगों को पानी पिलाएंगे और एक बार जो इससे पानी पी लेगा तो फिर वो कभी प्यासा नहीं होगा ऐसा आप उनको जो है सैराब करेंगे तो कि सोचने की बात यहाँ पर यह है कि वहां पर अफसोस के बदल यहाँ पर हम अपने आमाल को सही कर लेने का है अब देखिए रसूल वसल्लम का रास्ता ठीक है अब, अब यहाँ पर जो सबीला वर्ड है ना सबीला का मतलब क्या रास्ता तो अब ये रास्ते का मतलब हम सिर्फ इतना नहीं लेंगे कि इबादतों में आप सल्लाह का तरीका ठीक है सिर्फ इतना नहीं लेंगे बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ते का मतलब क्या है कि आप जैसी जिंदगी गुजारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जर्नी लाइफ की जो जर्नी थी तो आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने अपनी पूरी लाइफ की जो जर्नी है उस आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने कैसी गुजारी है वो पूरे तरीके को भी हमको देखने का है सिर्फ ये नहीं कि भाई मैं सुन्नतों को अपना ले रू मैं ये काम सुन्नत के मुताबिक जो है यानी कि नमाज सुन्नत के मुताबिक हो गई हमारी या मैं सुख कर लिए फिर जो है जिंदगी में थोड़े बहुत जो है आमाल कर लिए लिएते सुन्नतों की पाबंदी कर लिए तो यानी कि फर्ज नमाज के अलावा सुन्नतें पढ़ रहे हैं और फिर इशराक और चार और तहाजुद की आ, जो है पाबंदी कर ले रहे और समझ ले रहे कि बस हम जो है सुन्नत पर अमल कर लिए अदा हो गया ठीक है हम आपको हर अमल सुन्नत के मुताबिक करना है ये भी है पर उसके अलावा आप सल्ला की पूरी जिंदगी को अपनाना है यानी कि आप सल असम घरेलू जिंदगी कैसी थी आप की माशरती सोसाइटी में आप सल कैसा रहते थे <Sellt> like आप सल्लासम का दावा का तरीक़ा कैसा था आप सल्ला दुनिया को कैसी तरजीह देते थे दुनिया को कहाँ पर रखते थे और आखिरत को कैसी तरजीह देते दे थे आखिरत की कैसी फिक्र करते थे उम्मत की कैसी तड़प आप सल्लाम के दिल में थी ये तमाम क्या है आप सल्लाम का सबील है ये तमाम आप सल्लाम की जिंदगी का तरीका है ये पूरी जिंदगी के तरीके को हमको अपनाने का है हम हम जो है आप सल्ला अपने पाउस के साथ कैसा रहते थे असवाज के साथ कैसा रहते थे थे वो हम आपको देखने का है बच्चों के साथ कैसा रहते थे अपने जो है रिश्तेदारों के साथ कैसा रहते थे गरीबों यतीमों के साथ जो है आपका क्या मामला रहता था मेहमान नवाजी किस तरीके से करते थे और आप सल्ला जो है अपनी जिंदगी किस तरीके से दावा के लिए डेडिकेट करे हुए थे यानी कि एक सुन्नत ठीक है अगर हम ये कहें कि एक सुन्नत बताओ ऐसी आप सल्ला की जो आप सल्ला वसलम ने कभी नहीं छोड़ी एक सुन्नत ऐसी बताओ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ी तो वो एक सुन्नत क्या है आपकी दावा की सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो क्या है तबलीग और दावा की सुन्नत है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला हुक्म करे कुम फअंजिर के उठो और लोगों को डराना शुरू करो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो ऐसा उठे ऐसा उठे पहली वही के बाद के फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फिर अपने मरजुल मौत में ही जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेटे और फिर जो है यानी कि फिर अल्लाह ताला ही से जो है मुलाकात करे तो मुसलसिल पूरी जिंदगी जब आप सल्लाम को अल्लाह तक दिए सुरसर में जो हु दिए दूसरी वही में तो आप अलैहि वसल्लम उठे और कमर बस्ता हो गए और अपनी जिंदगी दावा के काम के लिए लगा दिए तो ये थी आप अलैहि वसल्लम का सबील तो हमको भी ऐसी जिंदगी आप वसल्लम की गुजारना है और जो है क्या बता रहे इतु सबीला मैं काश के पकड़ लिया होता क्या रसूल सल अला वसलम की जिंदगी का तरीका तो वहां पर अफसोस के बदल आज हमारे को उठना है और आप सल्ला वसलम की जिंदगी को पकड़ लेने का है सिर्फ इबादतों में जो है मिसवा करके खुश होकर बैठ जाने नहीं के बड़ी सुन्नतों को अपना ले रहे और फिर जो है तस्वीर सुन्नतों को अपना ले रहे समझ ले रहे या फिर जो है चंद सोने की दुआएं उठने की दुआएं खाने की दुआएं सीधे हाथ से खा ले रहे सीधे हाथ से पी ले रहे और और जो है बिस्मिल्ला बोलकर पी ले रहे तो हम क्या समझ रहे हाँ चलो हम दुआ पढ़ लिए वॉशरूम जाने से पहले दुआ चलो सुन्नतों पर हम पूरा अमल करते हम क्या है सुन्नतें बस इतने कुछ समझ के बैठे हुए हैं तो ये तो है ये तो करना है पर इसके अलावा क्या है कि आप सल्ला की पूरी जिंदगी हम को देखने का है और फिर साथ में क्या है कि बिद्दतों से बचने का है क्योंकि बिद्दतें क्या है हलाकत है बिद्दते क्या है के जो है अनार में लेके जाने वाली चीज है क्या है दौला व कुल्लू दौल लेकर जाने वाली जो है, आ, आमाल है, तो से बचने का है। और फिर मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो नए नई चीजें इख्तियार जो है किया जा रहा है या फिर जो है नबी करीम सलम के तरीकों को जो है बैकवर्ड तरीक़े समझ कर जो है छोड़ दिया जा रहा है तो ये चीजों से हमको बचने का है तो क्या में जो सबसे पहली जो वो अफसोस करेगा वो क्या अफसोस रहेगा कि कैश के मैं रसूल

अल्लाह ताला ने आ, किसको खलील बनाया अपना खलील इब्राहिम सलाम को ठीक है यानी कि इब्राहिम अल्लाह ताला के बहुत ही क्लोज और मोहब्बत जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से थी और बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे तो ऐसे दोस्त को जो है खलील कहते हैं तो अब यहां पर फुलान खलीला जो है कह रहा है तो इसके बारे में जो है मुफसरीन ये भी बताते हैं कि क्यामत के दिन वो शख्स जो है फुला हो जाएगा यानी कि उसका नाम तक उसको याद नहीं रहेगा या फिर वो इतना ज्यादा अपने दोस्त से गुस्से में रहेंगा कि उसका नाम लेना भी वो पसंद नहीं करेंगे वो फुला को मैं दोस्त नहीं बनाना था ठीक है कि यहां पर यह नहीं बताया जा रहा कि जो है मैंने उसको दोस्त नहीं बनाना था बल्कि यहां पर उसके नाम की जगह जो है फुला का वर्ड यानी कि जैसा हम बोलते हैं ना सो एंड सो बोलते हैं एक्स वाई जेड जो भी है तो के दिन वो जो है या तो उससे इतना ज्यादा नाराज और गुस्से में रहेंगे या फिर उसको जो है जो सबसे करीबी जो दोस्त था उसका नाम भी याद नहीं रहेगा और उन्हें बोलेंगे कि उसको दोस्त नहीं बनाया क्योंकि आप सल्ला ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है और अपने दोस्त के दिन दोस्त की से जो है पहचाना जाता है अपने दोस्त की यानी कि ग्रुप कंपनी से जो है पहचाना जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले कि दोस्त के दीन पर होता है तो जैसा दोस्त है ऐसा 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 वो दोस्त जो है उसको अपने दीन में ढालते जाता है तो हमारे को बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है कि हम किसको दोस्त बना रहे अब दोस्त का मतलब क्या है कि हम ये देखें कि हम किस कौन सी महफिल में उठ रहे बैठ रहे अब हो सकता है कि अब जैसा हम घरेलू औरतें हैं तो ठीक है हमारे कोई फ्रेंड्स हैं जैसा कॉलेज गोइंग या स्कूल में जाने वाले बच्चियां रहते या फिर जो है ऑफिस में जाने वाले जो लोग रहते हैं उनके फ्रेंड सर्कल रहता फ्रेंड ग्रुप रहता ठीक है अब यहां पर जो है फ्रेंड का मतलब वही नहीं है बल्कि फ्रेंड का मतलब यहाँ पर खलीला का मतलब यह है कि जिसके अतराफ आप उठते बैठते हैं जिसके दरमियान आप रहते हैं जिसको आप बहुत अपना अपनाते हैं बहुत मोहब्बत करते हैं जिसको आप अपने दिल के क्लोज रहते हैं तो क्योंकि क्या है जब हम किसी को अपने दिल का खलीफी बनाते हैं तो फिर क्या करते हैं हम उनको अपना कहीं ना कहीं जो है आइडियलाइज कर कर उनको जो है फॉलो भी करते हैं उन्होंने ऐसा करें हम भी वैसा करें उन्होंने वहां गए हम भी जा रहे उनके साथ जो कर रहे हम उनके साथ वैसी कर रहे उन्हों जो खर्च करे वैसी खर्च कर रहे, कर रहे। जो पहन रहे हम वैसी पहन रहे ताकि हम जो है ऑड वन आउट ना फील करें ठीक है हम उनके साथ रंग में रंगना चाहते हैं हम अपने आप को उनकी जैसा बनाकर उनके जैसा जो है फील करते हैं या उनको ये बताते हैं कि हम देखो तुम में से ही है ठीक है तो अल्लाह ताला यहाँ पर हम आपको देखना चाहिए अल्लाह ताला बता पर हमारे लिए जो मैसेज है अल्लाह ताला की, की तरफ से वो यही है आयत नंबर 28 में कि हम आपको अपने माहौल को देखना है कि कैसा माहौल है क्योंकि दीनदार माहौल है तो हम फिर दीन में ही ढलते जाते हैं अगर माहौल अल्लाह तला की याद से दूर रहने वाला माहौल है तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आिस्ता क्या होते अल्लाह की याद से दूर होते चले जाते और हमको एहसास भी नहीं होता हमको क्या है अफसोस की बात यह है कि हमको फिर एहसास भी नहीं होता और क्यामत के दिन वो दोस्ती हमारे को नुकसान पहुंचाने का सबब बनती है जैसा इसके बैकग्राउंड में जो है एक एक सीरत से हमारे एक वाकया भी मिलता है कि एक शख्स जो है आप अलैहि वसल्लम को क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक जो है एलीट फैमिली से बिलोंग करते थे और आप सल्लल्लाहु सलिल्लासम भी जो है यानी कि ऊंचे खानदान से थे तो उन्हें क्या है सब जो है ऊंचे ऊंचे खानदान के लोगों को और सरदारों को और फिर जो है अपने करीबी जिसको वो पसंद करता है उनको दावत देता है तो वो जब दावत में जो है वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाता है दावत देता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बहुत ही मोहब्बत से प्यार से बात करता है और आपको अपने घर पर इन्वाइट करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि देखो मेरे को ये खाना पीना ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए इंपॉर्टेंट तुम्हारी आखिरत है अगर तुम ईमान लेकर आएंगे और तुम हमें से हो जाएंगे तो फिर मैं तुम्हारी दावत में आऊंगा तो वो जमाने में जो है मेहमान नवाजी का बहुत ज्यादा जो है यानी कि बहुत अहमियत थी वो जमाने में तो वो जो शख्स था तो वो क्या करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलता कि ठीक है अगर आपको इससे खुशी है आप इससे राजी होते तो ठीक है मैं आपके खातिर जो है ईमान लेकर आता हूँ पर आपको मेरे दावत में आना है तो वो ईमान लेकर आता तो फिर जब जो है वो जब अपनी महफिल में जाता है तो क्या है उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं और उसका जो सबसे करीबी दोस्त रहता है उन्हें ये बोलता कि अच्छा तुम जो है उनकी खातिर जो है उनकी खुशी के खातिर तुम ईमान लेकर आए ताकि उन दावत में आए तो तुम्हारे को जो है अगर मेरे से मोहब्बत है तो फिर तुम क्या करना वो जाकर जो है आप वसल्लम के मुंह पर जो है थूक कर आना तो वो जो शख्स है अपने दोस्त की मोहब्बत में अपने दोस्त की दोस्ती में जो है यही करता है कि जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौजबिला नौजबिला मुंह पर जो है थूकने की कोशिश करता है और अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लेते हैं पर वो ये अटेम्प्ट करता है तो फिर खयामत के दिन जो है अल्लाह ताला यहां पर ऐसे लोगों को जो दीन जो दोस्ती के खातिर गलत काम करते हैं तो ऐसे लोग क्यामत के दिन अपनी उंगलियों को चबाएंगे अपने हाथों को चबाएंगे और कहेंगे कि काश के मैंने फलां को दोस्त नहीं बनाया होता क्योंकि क्या है कि हम जब दीन के अब जो आगे आयत आ रही ना आयत नंबर 29 में आ, क्या है हाँ ठीक है 29 में उसके बहकावे में आकर मैंने वो नसीहत ना मानी जो मेरे पास आई थी यानी कि आ, अपने दोस्त के बहकावे में आकर और उसने क्या करा वो नसीहत ना मानी जो उसके पास आई थी शैतान इंसान का इंसान के हक में बड़ा ही बेवफा निकला तो अब यहाँ पर जो शैतान कौन सी शक्ल में है दोस्त की शक्ल में है ठीक है शैतान कौन सी शक्ल में आ रहा है यहाँ पर दोस्त की तो अब देखिए कि दोस्त की शक्ल में रिश्तेदार की शक्ल में अपनों की शक्ल में कभी औलाद की शक्ल में कभी जो है रिश्तेदारों की शक्ल में जो है आता है और आकर हम आपको सही रास्ते से हटा देता है जबकि हम आपको नसीहत आ गई थी हम मान लिए थे हम समझ गए थे उसके करीब भी आ गए थे और हम फिर उस से दूर हो जाते हैं तो हमको बहुत ही एहतियात करना है इस मामले में कि हम किसको दोस्त बनाते हैं और फिर हमारी महफिल कैसी है हमारा उठना बैठना कैसा है क्योंकि जो महफिल अल्लाह के जिक्र से दूर है अल्लाह तला का जिक्र उसके अंदर नहीं है तो फिर वो महफिल कैसा है जैसा हम सड़े हुए गधे के ऊपर बैठ जो है उठे हैं सड़े हुए गधे की महफिल में बैठ उठे हुए हैं तो रॉटन जो है डोंकी के से जो है उसको तस्वीर दी गई है उसको जो है बराबर कहा गया है तो बहरहाल हमको बहुत ही मोहतात रहना है इस मामले में क्योंकि दोस्त क्या है कि हम दोस्त के साथ रहकर गलत काम कर सकते हैं गुनाह के काम कर सकते हैं बुराई में मुब्तला हो सकते हैं बेपर्दगी कर सकते हैं कुरान से दूर हो सकते हैं कि हाँ चलो भाई बाद में अटेंड कर लेंगे बाद में सुन लेंगे बाद में कुरान पढ़ लेंगे तो नहीं बल्कि हमको क्या करना है ऐसा दोस्त बनाना है खासतौर पर कुरान पार्टनर बनाना है जैसा आप हिफ्स करना चाह रहे हैं जैसा आप कुरान पढ़ना चाह रहे हैं याद करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि एक आपका जो है कुरान पार्टनर हो और फिर आप उसके साथ मिलकर कर ठीक है आप आप भी आ, जो है कुछ डिसाइड कर लीजिए कि ये पढ़ना है ये सीखना है ये याद करने का है और ये समझने का है या फिर जो है ये हम जो है तुम भी अंडर तुम भी इसके बारे में पढ़ो मैं भी पढ़ती हूँ उसके बाद हम फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो ये चीज है तो हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारा जो कुरान का पार्टनर रहेगा वो दुनिया में भी हमारी मदद करेगा और ऐसा दोस्त फिर क्यामत के दिन भी जो है हमारी हो सकता है कि दर्जा बुलंद और सिफारिश का भी जरिया बने तो फिर वहां पर ये दो अफसोस के बाद अल्लाह ताला यहाँ पर और एक के क्या का नक्शा खींच रहे हैं यहाँ पर एक तो अब वो मुजरिम का या काफिर का या जो भी शख्स ये अमल करने वाला है उसकी तरफ का हिस्सा था अब यहाँ पर दूसरी तरफ देखिए कि और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे और रसूल कहेगा कि ए मेरे रब तो अब यहाँ पर ये यह आयत ये पूरे सूर्य की सबसे मरकजी आयत हम इसको समझ सकते हैं क्योंकि ये सूर्य का जो नाम है वो क्या है है राइट तो यानी कि कुरान रिलेटेड जो है ये सुरा है कुरान का नाम फुरखान है राइट तो अब यहाँ पर देखिए कि ये मरकजी आयत में अल्लाह ताला जो है जो नक्शा खींच रहे हैं वो हमारे दिलों को लर्जा देने वाला जो है नक्शा है इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत के बारे में जिक्र है और आप इमेजिन करिए वो जो नक्शा अल्लाह ताला यहाँ पर खींच रहे हैं और रसूल कहेगा कि ऐ मेरे रब وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا كاي मेरे रब मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को निशान तदहीक बना लिया था और इसे बहुत दूर छोड़ दिया था तो आप वसल्लम जो क्या है रहमतुल आलमीन है राइट तमाम जहानों पर रहमत करने वाले हैं राइट तो अब ये जो रहमत करने वाले जो नबी है जो अपनी उम्मत की फिक्र करने वाले हैं जो अपने रातों को उम्मती उम्मती कहकर दुआओं में गुजारने वाले हैं वो क्या के दिन अपनी उम्मत के बारे में कहेंगे देखिए कि यहाँ पर क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रहे हैं इन्ना कौमी ए मेरे रब ये मेरी कौम मेरी कौम यानी कि जिस कौम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं उनके बारे में खयामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे शिकायत करेंगे और बोलेंगे कि एल्ला ये जो मेरी कौम थी जिसको मैंने क़ुरान दिया था और क़ुरान देने के लिए मैंने बहुत से तकलीफ़ सहे ताइफ में जो है पत्थर खाए खून बहाया अपनी जो है अपने जिंदगी अपनी लगा दी अपनी चैन और आराम सब हमारे लिए छोड़ दिया ताकि हम तक ये कुरान पहुंच जाए तो ये जिसको मैंने इतनी मेहनतों से इतनी कुर्बानियों से मेरे मेरे सहाबा ने अपनी अपनी जो है जानों की बाजी लड़ाई अपने खूनों को बहाया तो वो लोग मेरी कुरान के साथ जो है ये मामला करे कि उसको महाजूरा कर दिए महाजूरा के बारे में जो आता है एक तो ये है कि निशान तजीक बनाना तजी का मतलब क्या मजाक का जो है आ, जो है निशाना बनाना कुरान का मजाक उड़ाना तो एक तो क्या बोलेंगे आप सल्ला कुरान का ये लोग मजाक उड़ाते थे दूसरा जो आ, महजूरा जो है हजरा से है यानी कि अगर हम आ, क्योंकि अपने को हिजरत का माने मालूम है हिजरत किसको कहते हैं कि कोई भी चीज़ को बहुत दूर पीछे छोड़ देना उसको हिजरत कहते हैं तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि असलम ये बोल रहे हैं कि मेरी ये कौम कुरान को बहुत पीछे छोड़ दी थी बहुत दूर छोड़ दी थी बहुत जो है कुरान से अपने आप को दूर कर लिए थे तो महाजुरा हजरा से है हजरा का मतलब आ, जो है बहुत पीछे छोड़ देना बिल्कुल भूल जाना उसके बारे में ख्याल भी नहीं रहना और फिर आ, जैसा हिजरत करते हैं तो हिजरत करने का जो शहर से हिजरत किया जाता है तो वो क्या हो जाता है दूर छोड़ दे दूर छोड़ दिया जाता है अब यहाँ पर वर्ड जो आप सल्लाम जो बोल रहे हैं वो ये नहीं बोल रहे तर का मतलब क्या है कि छोड़ देना तरक्का मतलब भी छोड़ देना है महजूरा का मतलब हजरा का मतलब बहुत दूर छोड़ देना ठीक है ये फर्क है तरक्का नहीं बोल रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि क्या बोल रहे हैं हजरा बोल रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर क्या बोल रहे कि कुरान को इन, ये लोगों ने बहुत पीछे छोड़ दिया था कि अपनी जिंदगी यानी कि जिंदगी के कोई कोई आमाल में दूर दूर तक कुरान का कोई यानी कि रंग नहीं था कोई अमल में कुरान नहीं थी उनके बात में कुरान नहीं थी उनकी जिंदगी में कुरान नहीं थी उनके मामला में कुरान नहीं थी बहुत दूर छोड़ दिए थे ना उसको पढ़ते थे ना उसको समझते थे ना उसके पर अमल करते थे ना उसको दूसरों तक पहुंचाते थे अब देखिए कि यहाँ पर एक चीज ये हो सकती है कि महाजुरा का मतलब ना पढ़ना ना समझना ना उसके पर अमल करना ठीक है और दूसरी चीज ये भी हो सकती है महाजुरा में वो लोग भी आ सकते हैं कि जो लोग कुरान को पढ़ते हैं ठीक है पढ़ते हैं तिलावत करते हैं उसको हिफ्स करते हैं उसको अपने दिलों में उतारते हैं पर अगर हमारी जिंदगी कुरान से खाली है अगर हमारी जिंदगी कुरान के मुताबिक नहीं है तो वो भी जो है महजूरा में आएगी क्योंकि हमको कुरान पढ़ने के लिए रटने के लिए याद करने के लिए डुल ड के जो है सीखने सिखाने के लिए नहीं आई है बल्कि कुरान के ऊपर एक्चुअली ये तमाम प्रोसीजर किसके लिए है अमल करने के लिए है यानी कि हम जो पढ़ रहे किसी किस लिए पढ़े ताकि अमल करें सीख रहे समझ रहे हिफ्स कर रहे सिख रहे ये तमाम चीजें क्या है अमल करने के लिए है अगर हम सिर्फ जो है उसको पढ़ ले पढ़ा ले और उसके ऊपर अमल ना करें तो फिर ये भी जो है महाजुरा में आएगा फिर वो लोग भी जो है क्यामत के दिन आप सल्लाम की शिकायत में दर्ज होंगे वो भी आप सल्लाम और देखिये की यहाँ पर जो जो अगर हम टेक्स गौर करेंगे आयत नंबर थर्टी पर गौर करिए कि क्या बोल रहे हैं इन्ना कौमी अः अल्लाह मेरी ये कौम ने इतना बना लिया हादल कुरआना ये कुरान को अब देखिए कि जब हम कुरान पढ़ना शुरू करें सुर बकरा में क्या है दालिकल किताब वहां पर जिक्र है दालिका हादसा का मतलब क्या है कि हादा जो अरबिक जानते हैं तो हादा करीब के लिए इस्तेमाल किया जाता है दालिका दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर इसका मतलब ये है कि किमत के दिन कुरान भी सामने रहेगी और आप सल्लास कुरान को दलील के तौर पर प्रूफ के तौर पर गवाह के तौर पर पेश करेंगे और फिर आप सल्ला करेंगे कि अल्लाह ताला ये जो कुरान है ये जो कुरान है जिसको मैंने लोगों तक पहुंचाया था ये लोगों ने कुरान को बहुत पीछे पीछे छोड़ दिया था, पीछे दिया था था अपने पीठ डाल इसको भूल गए थे जिसके बारे में इबन जौजी बताते हैं कि कुरान को छोड़ देने के अकसाम है क्या क्या अकसाम है पहली कस्म यह है कि कुरान के ऊपर ईमान ही नहीं लाना महाजुरा में क्या क्या चीजें आएंगी पहली चीज क्या आएंगी कुरान के ऊपर ईमान नहीं लेके आना दूसरी चीज क्या आएंगी कि ना कुरान को पढ़ना ना कुरान को जो है सुनना ना उसके ऊपर अमल करना ना कुरान को पढ़ना ना सुनना ना उसके ऊपर अमल करना यानी कि अमल के अंदर क्या क्या आएगा कि ना हराम और हलाल का ख्याल करते हुए जो है जिंदगी गुजारना आमाल में कुरान के मुताबिक हलाल और हराम का ख्याल नहीं करना फिर तीसरा क्या? क्या है इसको अपना हाकिम नहीं बनाना हाकिम का मतलब क्या है फैसला करने वाली यानी कि जिंदगी के तमाम फैसले कुरान के मुताबिक नहीं करना यह भी किस में आएगा महजूरा में आएगा और चौथा क्या है इसके ऊपर गौर और फिक्र नहीं करना कुरान के अंदर क्या है तदब्बर नहीं करना इसके ऊपर जो है गौर और फिक्र नहीं करना और पांचवा जो है कुरान के मुताबिक इलाज नहीं करना <laughs> क्या आएगा कुरान के मुताबिक इलाज नहीं करना क्योंकि कुरान के अंदर क्या है अल्लाह ताला क्या बोले शिफा उल्लिमाफ सुदूर है ये दिलों की शिफा है इसके अंदर और जिसम की तो हमारे जो दिल दिल के शिफा का मतलब क्या है कि दिल के अंदर जो निफाक है कुफ्र है और फिर जो भी अल्लाह ताला की जो है रिया है जो भी अल्लाह तला की नाफरमानी की चीजें हैं उससे अपने दिल को पाक करने का है तो कुरान के जरिए से दिलों का इलाज हमको करना है जिसम का इलाज भी करेंगे पर साथ में क्या है इम्पोर्टेंट दिलों का इलाज तो इबन जोजी रहा फरमाते हैं कि ये पांच चीजें तरीकों से जो है महाजुरा किया जाता है या तो उसके ऊपर ईमान देखिये पांचों एक साथ नहीं इसमें से कोई एक भी अगर कर रहा है तो फिर वो महाजुरा में शामिल होगा यानी कि या तो ईमान नहीं लाना ठीक है अगर ईमान लेकर आ गए तो फिर क्या है उसके ऊपर हो सकता कि वो नहीं पढ़ रहा है और ना सुन रहा ना पढ़ रहा ना अमल कर रहा तो ये भी महाजुरा में आएगा और तीसरा क्या है उसको हाकिम नहीं बना रहा या फिर क्या है उससे उसके ऊपर गौर फिक्र नहीं कर रहा या फिर उसके ऊपर जो है आ, उसके जरिए से इलाज नहीं कर रहा तो महाजूरा का मतलब क्या है दूर छोड़ देना दूर फेंक देना तो कुरान के जरिए से जैसा आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अल्लाह ताला जो है इस किताब के जरिए से कुछ लोगों को सरबुलंद करते हैं और कुछ लोगों को बर्बाद करते हैं उमर रज़ा तैन का यह कौल है कि कुछ लोगों को इज्जत देते हैं और कुछ लोगों को क्या करते हैं अल्लाह तला जलील करते हैं किस इज्जत मिलती है जो कुरान को सामने रखते है उनको इज्जत मिलती है और जो कुरान को बहुत पीछे छोड़ देते हैं तो उनको जो है अल्लाह तला इसी कुरान के जरिए से जो है जलील और खौर करते हैं तो यहाँ पर अब हमारे को बहुत ज्यादा यानी कि एहसास करने की जरूरत है कि आया हम अब आप सिफारिश करने वाला बनाएंगे या अपने, हक या अपने हक में शिकायत करने वाला बनाएंगे हम अगर, अगर अपने हक में सिफारिश करने वाला बनाना चाह रहे हैं तो हमको आप सल्लाहम की जिंदगी को अपनाने का है आप सल्ला के तरीके को अपनाने का है और आप सल्ला का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप आपने कुरान को थाम लिया था तो हमको भी जो है क्या है कुरान को थाम लेने का है थामने का क्या मतलब है अपनी जिंदगी में उसको मजबूती से पकड़ लें और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करने का है उससे महाजूरा नहीं करेंगे कुरान से अपने आप को दूर नहीं करेंगे अपनी जिंदगी को दूर नहीं करेंगे देखिये आज हमारे जो है हम पढ़ने का अब जैसा हम जो है सीखने सिखाने का हमारा दौर है हम रोज कुरान को पढ़ रहे रोज कुरान को सुन रहे सीख रहे सिखा रहे मैं आप लोगों को जो है जो भी बातें हैं बता रही हूँ आप लोग जो है इसमें सुन रहे उसमें पढ़ रहे गौर फिक्र कर रहे पर अगर हमारी जिंदगी इसके मुताबिक अगर नहीं बदली अगर हमारी जिंदगी इसके मुताबिक नहीं हुई तो और इसके डूज एंड डोंट्स के मुताबिक अगर हम जिंदगी नहीं गुजारे तो फिर वो भी हमारा जो है महाजुरा में आएगा सिर्फ पढ़ लेना नहीं है सिर्फ रट लेना नहीं है बल्कि उसके मुताबिक उसके मुताबिक हमारा किरदार उसके मुताबिक हो जाए हमारा क्या है हमारी पूरी जिंदगी उसके मुताबिक हो जाए तो हमारी लाइफ जो है इसके मुताबिक बदल जाना है चेंज कर देना है हम अपनी जिंदगियों को वही पुराना तरीका अगर हम अपना रहे और पुरानी जिंदगी और पुरानी रविश के मुताबिक हम चल रहे तो फिर हम खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे ये शिकायत के मुस्तक ना बन जाए कुरान से मोहब्बत करने वाले बन जाए कुरान के लिए वक्त लगाने वाले बन जाए कुरान को ऐसा मजबूती से थाम ले के बस हमेशा हमारे जो है हाथों में कुरान हो हमारी जबानों पे कुरान हो हमारी सोचों में कुरान हो हमारे ख्वाबों में कुरान हो हम उठें तो कुरान कुरान के के साथ उठे, सोए तो के साथ उठें हम तो और हमारे आमाल कुरान के मुताबिक हो तो ये हमारी जिंदगी होने का है तब फिर हम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिलेगी कुरान की सिफारिश मिलेगी कि अल्लाह ताला ये शख्स है जो मुझे दिन रात पढ़ता था अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला तू इसके हक में जो है मेरी सिफारिश को कबूल कर तो अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि ऐ शख्स कुरान को पढ़ता जा और जन्नत के दर्जात चढ़ता जा तेरा आखिरी मुकाम वो रहेगा जहाँ पर तेरी आखिरी आयत खत्म होगी तो हम हमको इन लोगों में शामिल होने का है जो अहले कुरान है जो कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं कुरान के लिए जिंदगी लगाने वाले हैं कुरान के लिए जीने और मरने वाले हैं देखिए कि हमारी कामयाबी का जो मरकज है वो कुरान है पर आज जो है अफसोस की बात यह है कि हमको कुरान जो है ना पढ़ने आता है ना हमको समझ में आता है ना उसकी अरबी आती है ना उसके माने समझ में आते हैं ना उसका बैकग्राउंड हमको मालूम है हमको सुरों के नाम नहीं याद है हमारे सुरों के माने नहीं मालूम है तो ये आज हमारा हाल है तो और हम इस काबिल भी नहीं है कि हम अपनी औलाद को सिखा सके हम आपको देखिए कि हम कितने मोहताज है ना कि हमारे को जो है कोई मौलाना है क्या कोई उस्ताजा है क्या कोई हमारे बच्चों को सिखा सकते हम कितने भी पैसे देने के लिए तैयार है हमारे लिए हम आपको कोई उस्ताजा चाहिए क्योंकि हम इस क़ाबिल ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सके हम आपको खुद तजवीज नहीं आती हम हम अपने बच्चों को तजवीज से नहीं पढ़ा सक रहे हम आपको खुद कुरान नहीं मालूम है हम बच्चों को क्या सिखाएंगे तो पहले हम अपने आप को काबिल बनाने का है हम देखिए कि दुनिया के लिए क्या जद्दोजहद नहीं करें और कुछ अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग जो है अपनी बच्चों को अपनी औलाद को दुनियावी तालीम देते हैं दीनी तालीम के लिए जो है सोचते भी नहीं है तो अब यहाँ पर हम हमारे पहले तो सबसे पहले हम किसी के मोहताजी की जरूरत नहीं है हम खुद अपने आप को काबिल बनाए कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें उनको जो है हम सही से पढ़ा सकें उसके लिए हमको क्या करना है खुद पढ़ना है तो जो बच्चियां यंग है अभी शादीशुदा नहीं है तो अभी बहुत अच्छा वक्त है अभी आपके पर जिम्मेदारियां नहीं है खूब खूब मेहनत करिए वक्त लगाइए कुरान को सीखिए तजवीज सीखिए उसकी अरबी सीखिए उसकी जो है तर्जुमा सीखिए उसका लफजी तर्जुमा सीखने की कोशिश करिए और ऐसे अपने आप को काबिल बनाइए कि हम खुद उसको पढ़ें समझे अपनी औलाद को उसके मुताबिक तरबियत करें अपने माहौल को उसके मुताबिक बदलने की कोशिश करें अगर हर घर से एक एक दाइया उठेगी तो आप सोच के देखिए कि कितना माहौल में तब्दीली आएगी हमारा माहौल कैसा बदल जाएगा अगर आज जो हमारे पास अब जैसा अभी फिलवत जितने भी लोग जो है अः ढाई सौ पौने तीन सौ जितने भी लोग ये जो है क्लास सुन रहे अगर हर एक जो है कुरान की दाया बन जाए कुरान को पढ़ने सीखने सिखाने वाली बन जाए तो देखिए कि माशरे में कैसी तब्दीली आएगी कितने जनरेशन जो है बदल जाएंगे हम आपको हमारी जनरेशन को सुधारना है तो फिर वो हमारे लिए फिर आगे वो सुधारेंगे फिर वो फिर ऐसी नस्लें सुधर जाएगी ताक्यामत तक आने वाली तो हमारे को इसके लिए उठना है वक्त लगाने का है सिर्फ जो है आकर एक घंटा दे देने से ये काम नहीं होगा इसके बाद कुरान अब यहाँ यहाँ पर देखिए कि हम क्या कर रहे हैं कि चलो भाई कुरान के लिए एक घंटा लगा रहे इसको बहुत बड़ी बात समझ रहे।, रहे ना एक घंटा पढ़े ना रोज कुरान एक घंटा पढ़े ये बहुत बड़ा काम कर रहे जैसा है ठीक है आप अपनी मसरूफियत में ये वक्त निकाल रहे ये भी बहुत बाबरकत है अल्लाह इसको हमारे लिए आखिरत का नजात का जरिया बना दे पर सिर्फ इतना नहीं करने का इसके बावजूद भी जो है बाद में भी कुरान को खोले उसमें पढ़ने और समझने की खुद से कोशिश करें थोड़ी दूसरी चीजें रेफर करें सिर्फ इतने को सफिशियंट ना समझे बल्कि और हाथ पैर मारे और अलग अलग एक्स्ट्रा चीजें जो यहाँ पर जो जो कमी रह रही उसको जो है हासिल करने की कोशिश करें तो हम हमको जो है अपने पर्सनल एफर्ट्स लगाने का है जब एफर्ट्स लगाएंगे तो ही हम कोई जो है चीज हासिल कर सकेंगे बस नीयत कर ले इरादा कर ले कि अल्लाह ताला बस मेरी पूरी लाइफ में जो है कुरान के लिए डेडिकेट कर रही हूँ मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दे रही हूँ मैं पूरी अपनी कुरान अपनी कुरान के लिए अपना पूरा वक्त अपनी सलाहियत मेहनत जो भी जिंदगी है पूरी मेरे को अब कुरान के लिए लगा देना है खत्म हो गई बात अब ये डिसाइड कर लीजिए और फिर उसके अलावा जो हमारी जिम्मेदारियां वो करते हुए हम माँ को ये काम करने

अल्लाह इमेजिन करिए कि उनका हाल क्या करेगा अल्लाह तला क्या हाल होगा ना वो वो वक्त पे तो वो 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 यानी कि वो तस्वुर से जो है हमारे दिल जो है कांप उठते हैं लरस उठते हैं तो हमारे को वो दिन आने से पहले वो वक्त आने से पहले अपने को कुरान से जोड़ लेने का है और अपनी जिंदगी को जो है कुरान के लिए लगा देने का है तो अल्लाह यहाँ पर क्या है कि आप अलैहि वसल्लम ए मेरे रब मेरे कौम के लोगों ने कुरान को बहुत पीछे छोड़ दिया था और उसको निशान तजहीद बना लिया था यानी कि मजाक का जो है यानी कि सेंटर ऑफ जो है मजाक जो है बना लिया था तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तो इसी तरह मुजरिमों को हर नबी का दुश्मन बनाया है तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि फिर ये जो लोग कुरान को छोड़ दिए हुए हैं और कुरान को मजाक बनाए हुए हैं तो वो क्या है एक्चुअली मुजरिम है और वो दुश्मन है नबियों के तो वो मोहम्मद तो अब आप सोचिए कि जो मोहम्मद का दुश्मन है जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो तो वो अल्लाह का दुश्मन है और अल्लाह ताला, ताला अपने दुश्मन के साथ क्यामत के दिन क्या मामला करने वाला है और तुम्हारे लिए तुम्हारा तुम्हारा रब ही रहनुमाई और मदद को काफी है मुनकरीन कहते हैं इस शख्स पर सारा कुरान एक वक्त पर क्यों ना उतारा गया तो अब उनका एतराज़ फिर क्या है और एक एक एतराज़ क्या है बहुत सारे एतराजों में कि नबी करीम वसल्लम के ऊपर पूरा कुरान एक साथ क्यों नहीं नाजिल हुआ हाँ ऐसा इसलिए किया गया है कि इसको अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह हम तुम्हारे तुम्हारे जहन नशीन करते रहे और इसी गर्ज के लिए हमने इसको एक खास तरतीब के साथ अलग अलग अज्जा की शक्ल दी है तो अब देखें कि ये जो उनका डाउट था या कई हम में से जो है डाउट हो सकता कि कुरान एक साथ क्यों नाजिल नहीं हुआ तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बता रहे कि ताकि वो स्लो स्लो जब नाजिल हुआ तो क्या होगा कि अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे आप सल्ला उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकेंगे और फिर क्या है कि अलग अलग अज्जा में भी जो नाजिल हुआ जैसा जैसा जरूरत थी वैसा वैसा जो है नाजिल होता गया ठीक है तो सिचुएशन के हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ ताकि उसको अच्छे से समझ सके पढ़ सके तो ये दो रीजन अल्लाह ताला बता रहे कि कुरान आता से अल्लाह ताला ने एक साथ क्यों नहीं नाजिल फरमाया एक रीज़न क्या है ताकि वो जहन नशीन हो जाए ताकि दिमागों में अब देखिये कि एक साथ जो है हम भी पूरी कुरान एक साथ बैठ कर पढ़ेंगे तो हम हमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा पर आता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो क्या होगा वो एक एक बात हमारे दिलों उतरेगी दूसरा रीजन क्या है कि अल्लाह क्या बता रहे कि एक खास तरतीब के साथ अलग अलग अज्जा की शक्ल में अल्लाह तला ने नाजिल फरमाया ताकि जो है सिचुएशन के हिसाब से जैसी जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसी वैसी सिचुएशन के साथ अल्लाह तला ने उसको नाजिर फरमाया और इसमें यह मसलहत भी है कि कभी आ, के जब कभी वो तुम्हारे सामने कोई निराली बात या अजीब सवाल लेकर आए उसका ठीक ठीक जवाब बर वक्त हम तुम्हें देते हैं तो अब ये तीसरा रीजन है क्या बता रहे अल्लाह तला जैसा जैसा वो लोग सवाल करे उसका जवाब जो है अल्लाह तला आप सल अला वसलम उनको जो है देते चले जा रहे जैसा सुर कहफ में जैसा बैकग्राउंड में हम देखे थे ना कि वो लोग पूछे कि भाई बताइए असाब कहफ का मामला क्या है फिर जो है का मामला क्या है तो जैसा जैसा पूछते थे उन्होंने वैसे वैसे जवाब आप सल्लाह यूसुफ में भी जो है सूर्य यूसुफ के बैकग्राउंड में भी देखे थे ना कि बनी इसराइल जो है क्यों गई भाई फलस्तीन से मिस्र की तरफ क्यों गई थी तो फिर वहां पर अल्लाह तला जो है वक्त पे जो है उनके सवाल का जवाब अल्लाह तला देते गए तो अल्लाह ताला बता रहे कि ये तीन रीजन है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया जो लोग अंधे औंधे मुंह मु जहन्नम की तरफ ढकेले जाने वाले हैं उनका मौखुफ़ बहुत बुरा है और उनकी राह राहत दर्जे गलत है तो अब जो अल्लाह औंधे मुंह जहनुम में गिरने वाले हैं तो वैसे लोग ऐसे जो है सवालत करेंगे तो अल्लाह तला बोले कि उन्होंने राह रास्ते बहुत गलत तरीके पर अमल कर रहे हैं और राह रास्ते बहुत दूर निकल गए हुए हैं और फिर क्या है कि कियामत के दिन जो है जैसा वो लोग बोलेंगे कि अल्लाह ताला आज हम अंधे मुंह उठाए या आज हमको अंधे उठाए क्यामत में तो हम अच्छा से चलते थे आज क्या दुनिया में तो हम अच्छा से देखते थे तो अल्लाह ताला बोलेंगे कि जो अल्लाह ताला ये करने पर खादिर है अब जैसा इसके बारे में जो है खतदर रजत से जब पूछा गया तो उन्होंने ये बोले कि जब दुनिया में अल्लाह तला इंसान को दो पैरों पर चला सकता है तो क्या वो इस के ऊपर खादिर नहीं है कि वो ओंधे मुंह गिरा जो है चलाएगा क्योंकि जब ये एक्सप्लेन कर रहे थे तो उनसे जो है पूछे कि कैसा औंधे मुंह तो ही नहीं सकता तो जो खदमो पर चल सकता ख़द, तो मुंह के बल घसीटते हुए में लेकर जाकर जो है फेंक देंगे तो आयतम थर्टी फाइव में फिर अल्लाह तरमाते हैं की हमने मूसा को किताब दी और इसके साथ इसकी इसके भाई हारून अल्लाम को मददगार के तौर पर लगाया और उनसे कहा कि जाओ उस कौम की तरफ जिसने हमारी आयत को झुटला दिया है आखिर उन लोगों को हमने तबाह कर कर रख दिया यहाँ यही हाल कौम का हुआ जब उन्होंने रसूल रसूल की तकजीब की अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तकजीब कर रहे हैं तो अल्लाह पहले की कौम के एग्जाम्पल देकर बता रहे मूसा हारून अल्लाम नू अम सबके जो एग्जाम्पल देकर बता रहे और अल्लाह तला बता रहे की देखो पहले की कौन ने भी तकजीब की अपने नबी को झुटलाया अपने नबी की तालीमत को झुटलाया उनकी जो तालीम यानी कि हमारे लिए खुरा है। उनके लिए जो भी तालीमांति उसको जब झुटलाए तो अल्लाह उनके साथ क्या अंजाम करे तो अल्लाह के साथ भी अल्लाह ने वही हाल किया कि जब उन्होंने की की, गर्व कर दिया और दुनिया भर के लोगों के लिए एक निशान इबरत बना दिया और उन जालिमों के लिए एक दर्दनाक अजाब हमने मुहैया कर रखा है यानी की दुनिया में तो निशान इबरत और अजाब में मुबतला हुआ और क्यामत के दिन तो खतरनाक अजाब उनका वेट कर रहा है इसी तरह आद और समोद और असहा रस और por बीच की सदियों के बहुत से लोग तबाह किए गए और इसमें हर एक को हमने पहले तबाह होने वालों की मिसालें दे देकर समझाया यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को जो है तबाह कर दिया और फिर हर एक को तबाह करने से पहले क्या करे अल्लाह ताला वार्न करे कि पिछले कौमों के एग्जाम्पल देकर वार्न करे पर उन्होंने जब नहीं समझे तो फिर अल्लाह तला ने उनको तबाह कर दिया तो अब यहाँ पर मुश्रकी ने मक्का को भी अल्लाह तला पहले के कौमों को एग्जाम्पल देकर और इवन हमारे लिए भी जो है अल्लाह एग्जाम्पल देकर जो है बता रहे कि देखो कैसा करे तुम्हारे साथ भी अल्लाह ताला वैसा कर सकते हैं इनमें से हर एक को हमने पहले तबाह होने वालों की मिसालें दे देकर समझाया और आखिरकार हर एक को गारत कर दिया और इस, और इस उस बस्ती बस्ती पर पर तो, तो तो इनका गुजर हो चुका है जिस पर बदतरीन बारिश बरसाई गई किसके ऊपर बदतरीन बारिश बरसाई गई कौमे लूत के ऊपर ठीक है जो पत्थरों की आग के पत्थरों की बारिश जो बरसाई गई कौमे लूत के ऊपर तो अल्लाह ताला बता रहे कि बदतरीन बारिश बरसाई गई क्या उन्होंने इसका हाल देखा न होगा मगर ये मौत के बाद दूसरी जिंदगी की तो नहीं रखते ये लोग तो जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं तो अल्लाह तला बता रहे नबी करीम का मजाक बनाते हैं और कहते हैं क्या ये शख्स क्या ये शख्स है जिस आ, जिसे खुदा ने रसूल बनाकर भेजा है यानी कि ये शख्स आया अच्छा अच्छा इनको बनाया अल्लाह तला रसूल तो ऐसा जो है आप सल्लाम की तरफ जो है इशारे कर कर मजाक उड़ाते थे और बोलते थे अच्छा ये शख्स को बनाया अल्लाह तला तो हमें गुमराह कर कर अपने महबूदों से बरगजिश्ता ही कर दिया होता अगर हम उनकी अकीदत पर जम ना गए होते तो अब यहाँ पर अपने महबूदों से क्योंकि आप सल्लाम की मरकजी दावत क्या थी तोहीद आप सल अलाम की दावत थी और हर नबी की दावत क्या है तोहीद तो बोल रहे अल्लाह अच्छा हुआ हम बच गए देखो अगर हम अपने महबूदो की मोहब्बत पर जम जमे हुए नहीं रहते थे तो ये शख्स तो जो है हमारे महबूदो से हमको दूर कर दिया होता आज भी देखिए जब हम जो है तोहहीद की दावत देते हैं या लोगों को सही रास्ते की तरफ बुलाते हैं तो उन लोग क्या बोलते हैं अम्मा ये जो है नए नए बातें बता के गुमराह कर दे रहे तो वो लोगों का भी जो है यही तरीका था जबकि हर नबी की दावत क्या है एक नबी एक अल्लाह तला को माना है अच्छा वो वक्त दूर नहीं है जब अजाब देखकर उन्हें खुद मालूम हो जाएगा कि कौन गुमराही में दूर निकल गया है कभी तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया है जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया क्या तुम ऐसे शख्स को राह रास्त पर लाने के जिम्मा ले सकते हो यानी कि जो अपने ख्वाहिशात की पैरवी करता है वो राह रास्त पर नहीं आ सकता क्या तुम समझते हो कि इनमें से अक्सर लोग सुनते और समझते हैं यह तो जानवर यह तो जानवरों की तरह है बल्कि उससे भी गए गुजरे हैं तो अब यहाँ पर आयत नंबर फोर्टी फोर में जो है अल्लाह ताला क्या बता रहे कि ये लोग सुन रहे समझ रहे आ, सुनते समझते हैं बल्कि ये तो जानवरों के तरह जो है जानवरों से भी बहुत ज्यादा गए गुजरे हैं तो अब इनशाला कल जो है हम लोग आयत नंबर फोर्टी थ्री और फोर्टी फोर इनशाला फिर से देखेंगे और यहाँ पर फोर्टी फोर पर हम लोग आज इनशाला खत्म करते हैं और क्योंकि ये जो आयत नंबर फोर्टी थ्री और फोर्टी फोर है बहुत ही अहम जरूरी आयत है जिसके अंदर हमारे लिए कई असबाक इसके छुपे हुए हैं तो इन हम लोग वो देखेंगे तो इसके साथ हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं तो अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह ती हमको खूब खूब कुरान को पढ़ने और समझने की तोफी पढ़ने और समझने वाला बना और उसके ऊपर अमल करने की तोफी ख़ता फरमा दे अल्लाह हमको इस काबिल बना के हम खुद कुरान को पढ़ें समझें उसके ऊपर अमल करें उसको दूसरों तक पहुँचाने वाले बनें और इस काबिल बना के हम अपनी औलाद की कुरान के मुताबिक सही तरबियत कर सकें और कुरान की मोहब्बत अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक कर दे और हमको कुरान अहले कुरान में शामिल फरमा दे अल्लाह जितने लोग कुरान का हिफ्स करने वाले हैं उनको अल्लाह ताला हम सबको तोफी कता फरमा दे कि वो कुरान का एक एक लफ्ज हम समझने वाले भी बने उसके ऊपर अमल करने वाले भी बने अल्लाह तला तमाम मुसलमानों को कुरान की तरफ अल्लाह तौमायल कर दे हमको तोफ़ी अता फरमा दे और या रबालमीन कुरान के साथ जीने वाला और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला और कुरान की मोहब्बत के साथ हमको जो है मरने आ, मरने वाला बना दे या रबीन हमको पूरी जिंदगी कुरान के लिए चुन ले और खूब खूब हमसे काम ले या इलामी हमको नबी करीम वसल्लम का और कुरान का हमारे हक में आ, हम आ, सिफारशी बना ना कि हमारे खिलाफ सिफारशी बना या रब आलमीन क्यामत के वो दिन आने से पहले वो घड़ी और वक्त आने से पहले पहले हमको तोहफी खतः फरमा दे कि हम कुरान को अपना ले कुरान को मजबूती से थाम ले या रबालमीन हम कुरान से मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो कुरान तेरी किताब है तेरा कलाम है उसके अंदर तेरी बातें हैं हम उसके ऊपर ईमान लाते हैं या रबाल आलमीन बस हमको तोफी ख़ता फ़रमा दे कि हम उसके ऊपर अमल करने वाले भी बन जाएं या अल्लाह ताला हम ये जो एक घंटा जो हम अपनी दिन का लगा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ क़ुरान की मोहब्बत में लगा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ तेरी मोहब्बत में लगा रहे हैं या रब हमको इसके इसकी ये जो हमारा ये जो वक्त हैयामत के दिन हमारे हक़ में बहुत ही मुफीद और बेहतरीन और दर्जात की बुलंदी का सबब बना दे और तेरी रजा का जरिया बना दे या रब आलमीन कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तोहफी ख़त फ़रमा दे या ताला हमको भी कुरान के लिए चुन ले और हमारी औलाद को भी कुरान के लिए चुन ले हमारी औलाद में से किसी को अल्लाह तला बेहतरीन हाफिज़ बना कर उठा बेहतरीन दाई बना कर उठा बेहतरीन मुबलिक बना कर उठा कुरान को पढ़ने सीखने सिखाने वाला बना कर उठा कुरान का दाई बना कर उठा और क़ुरान को दूसरों तक पहुंचाने वाला बना ये कुरान को थामने वाला बना दे या हमको हम, हम, हम बस अपने आखिरत की निजात के लिए तुझसे दुआएं करते हैं अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए रहमतुल आलमीन है उनकी सिफारिश का हकदार बना दे उनकी सिफारिश का हकदार बना दे और उनके तरीक़े के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना दे उनकी सबील के मुताबिक हमारी भी सबील बना दे या रब आलमीन हमको बुरे महफिलों से बुरे दोस्तों से बुरी कंपनी से अल्लाह ताला तुम तो हमारी हिफाजत फरमा दे हमको ऐसे दोस्त अता फरमा जो हमको आखिरत की याद दिलाने वाला अल्लाह ताला तेरी याद दिलाने वाला जो हो अल्लाह ताला तेरा अजाब दुनिया में आने आने से पहले हमको हिदायत अता फरमा दे आमीन आमिन सुन वावाना अनिलहमदी सुबहाना रबी करब्ज़त वालन सलीमदी वाल नबी मोहम्मद व आलिया वसाबीज يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته